सावन मास का महीना चल रहा है और सभी भक्तजन इन दिनों भगवान शिव की पूजा अर्चना में लगे हुए। हर भक्त यही चाहता है कि उसकी मनोकामना पूरी हो और हमेशा खुशहाल रहे। चित्तौड़गढ़ में कहीं विभिन्न और प्राचीन शिव मंदिर है जहाँ की अलग अलग मान्यता व कथाएं प्रचलित है। ऐसा ही एक महादेव मंदिर जो कि चित्तौड़गढ़ के मधुबन क्षेत्र में स्थित है, जिसका नाम है ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, जहाँ पर इन दिनों सावन मास में भक्तजनों का तांता लगा हुआ है और श्रद्धा से पूजा अर्चना कर रहे हैं। साथ ही कई लोग शिव अभिषेक भी करा रहे हैं। पंडित राकेश शास्त्री ने बताया कि यह मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना है। धीरे धीरे लोगों में इसके प्रति आस्था बढ़ने के साथ ही आज यहां पर कई भक्तजन अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। साथ ही उन्होंने ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के महिमा और उसके इतिहास के बारे में जानकारी दी। सावन के दूसरे सोमवार को भी यहां पर भक्तजनों के द्वारा पूजा अर्चना के लिए सुबह से ही भीड़ उमड़ रही है। साथ ही सावन के प्रत्येक सोमवार को विजयपुर सरपंच श्यामलाल शर्मा द्वारा भी यहां पर सप्तनिक महादेव अभिषेक किया जा रहा है। उन्होंने भी आइए देखते हैं चित्तौड़गढ़ से हमारे संवाददाता छोटू कुमार चेचानी की रिपोर्ट।